अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं डी डी पी पाक भारत जंगें वो उन्नीस सौ अड़तालीस की जंग हो उन्नीस सौ पैंसठ की जंग हो या उन्नीस सौ इकहत्तर और फिर कारगिल का मार्का हर जंग में ऐसे ऐसे, ऐसे वाकयात होते हैं जो कि इंसानों की ज़िंदगी में या तो मश बन जाते हैं या उनकी सोच का मरकज़ रहते हैं ये वाक़ अमूमा बहाद्री के वाक़ होते हैं सबर और शुक्र के वाक़ होते हैं हिम्मत और हौसले के वाक़ होते हैं जंगों की याद वैसे तो इंसान के जहन से कभी महव नहीं होती क्योंकि ये मुश्किल वक्त गुज़ारा होता है और जो जंग में आपके साथ साथी होते हैं वो भी सारी ज़िंदगी नहीं भूलते इसलिए कि उन्होंने भी एक एकलमा वफादारी का मोहब्बत का वतन के साथ अपने लगा अपने लगाव का वो आपकी माइत में गुज़ारा होता है और इन चीज़ों की वजह से आपकी बहुत सारी कदरें मुश्तरक बन जाती हैं जो वाक़ जंगों के वाक़ कुछ जो मैं जानता हूँ जो मैं बयान करना चाहता हूँ कुछ वो जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म लेकिन बाकी मैंने किसी से हासिल किया या तहक़ीक की तो उससे पता चला उम्मीद एक बहुत ही अजीब और बहुत दिल दहला देने वाला भी लेकिन इंसान की वफादारी और मोहब्बत वतन के साथ मोहब्बत का एक अजीम कारनामा भी वो सामने आता है तो इंसान ये सोचता है कि क्या ये मुल्क कायम है ये सोसाइटी कायम है ये हमारी माओ बहनों की इज्ज़त बकार, वो सारा महफूज है तो वो ऐसे ही लोगों की वजह से है जो अपनी जान कुर्बान करते हैं अपने वतन के दिफा के लिए उन्नीस की जंग में एक क़ैदी उसकी कहानी मुझे ये टास्क मिला था उन्नीस की जंग के बाद उन्नीस में जब हमारे क़ैदियों का तबादला हुआ तो हुसैनी वाला के मकाम पर आ, मुझे टास्क दिया गया कि आपने उस इलाक़े को तैयार करना है वहाँ पे कैदियों का तबादला होगा कैदियों का तबादला तो सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में उन्होंने करवाया लेकिन मैं वहाँ पे एक विटनेस मौजूद था आ, सुनने में आया कि कैदियों में से चाँद कैदी हमारे वापस नहीं मिले तो तसब्बर किया गया कि वो शायद शहीद हो चुके हैं उनमें गबन ये कैदी भी होगा भारत में चालीस साल कैद काटने के बाद सिपाही मकबूल हुसैन रिहा हुआ और रिहाई के बाद अपने घर जाने की बजाए ये जवान सीधा अपनी यूनिट में पहुंचा तशद की वजह से इसकी बोलने की कुवत कुत कोई वो जवाब दे चुकी थी ये बोल नहीं सकता था लेकिन अपने कमांडर ऑफिस कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंच के एक चिट पे लिख के उसने अपने यूनिट कमांडर को बताया सिपाही मकबूल हुसैन आज ड्यूटी पे हाजिर हो गया है अब ये सिपाही मकबूल हुसैन ये कौन है ये एक सच्चा हीरो है पाकिस्तान का 17 सितंबर 2005 को बागा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुकाम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया इस ग्रुप में मुख्तल नौीय के कैदी थे इनके हाथों में गठड़ियाँ इनके कपड़े कुछ सामान वो चीज़ें इनमें इनके पास थी लेकिन इस ग्रुप में एक साथ पैंसठ साल आदमी एक पाकिस्तानी जिसके हाथ में कोई गठड़ी नहीं थी कोई चीज़ नहीं थी लेकिन वो खुद बताते खुद हड्डियों का एक ढांचा रह गया हुआ था और बड़ी पतली सी खाल लगता था कि उसकी हड्डियों पे अभी मौजूद है जो चिपटी हुई है उसके अलावा उसके बदन पे गोश्त का निशान नहीं था जिसम उसका इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे कि कमान मुड़ी होती है और खुद झाड़ियों की तरह बेतरतीब उसके बाल थे जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे से इस आदमी को ना तेल मैसर आया सर में लगाने का और ना ही कंगी मयसर आई शक्ल तो देखी लेकिन वो कुछ अजीब हनक सी लगती थी दुख की बात यह थी कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की ज़बान भी कटी हुई थी लेकिन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलफ थी और वो ये थी कि उसकी आँखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तई कारवाई के बाद इन सारे कैदियों को जब फ़ारि कर दिया गया सारे कैदी अपने अपने घरों को चले गए तो ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने के बजाय एक अजीब मंजिल की तरफ चल पड़ा लोगों से इस्तफसार करता रहा पूछता रहा अपने जाने के लिए जहाँ वो जाना चाह रहा था अपनी मंजिल का पता पूछता रहा लोग इसको गरीब आदमी समझ के इस साइल की रहनुमाई करते रहे और यूं ये बूढ़ा 2005 में ही पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर की एक रेजिमेंट तक पहुंच गया वहाँ पहुंचकर उसने ये दावा किया कि मैं रेजिमेंट के कमांडर साहब को मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं रेजिमेंट का सिपाही हूँ इस आदमी को रेजिमेंट के कमांडर के सामने पेश कर दिया गया सामने पेश होते ही इस कमज़ोर और नातवान आदमी ने इस चाबक दस्ती से अपने कमांडिंग ऑफिसर को सल्यूट किया न जाने उसके बदन में इतनी ताकत कहां से आ गई थी लेकिन उस सल्यूट के बाद उसने एक कागज़ पे टूटे हुए अल्फाज में लिख के बताया कि मैं सिपाही मकबूल हुसैन हूं और मेरा आर्मी का नंबर डबल थ्री फाइव वन थ्री थ्री नाइन है और मैं आज ड्यूटी पे वापस आ गया हूं। कमांडिंग ऑफिसर ये मंज़र देख के हैरान रह गया कटी हुई ज़बान बोल वो सकता नहीं था लिखे हुए अल्फाज में ये चांद टूटे फूटे अल्फाज उसने देखे आ, इस बदवास शख्स का ये दावा लेकिन कमांडिंग ऑफ़िसर जो है वो चकरा गया कि इस तहरीर से वो क्या मतलब निकाले बहरहाल कभी वो इस बूढ़े शख्स को देखे और कभी उसकी तहरीर को और फिर वो याद करे कि किस तरह इस आदमी ने मुझे सैल्यूट किया है कमांडर के हुक्म पर इस कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से इसका फ़ौजी रिकॉर्ड और इसकी पूरी पुरानी फाइलें निकलवाई गईं। इसके इस शख्स इस के रिश्तेदारों को ढूंढने का काम किया गया एक दिल दहलात देने वाली दास्तान थी और इस लागर शख्स जिसने के अपने कमांडिंग ऑफिसर को जाते हुए भी सल्यूट किया इसका नाम सिपाही मकबूल हुसैन था और 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर मोहम्मद के साथ उसकी क्यादत में दुश्मन के इलाके में उसका असला और गोला बारूद का जख़ीरा डिपो उड़ा के वापस आ रहा था उसको तबाह करके वापस आ रहा था कि रस्ते में दुश्मन की एक पेट्रोल से झड़प हो गई सिपाही मकबूल हुसैन जो अपनी पुष्त पे वायरलेस सेट वग़ैरह उसने उठाया हुआ था और वो पैगाम रसानी कर रहा था अपने अफसरों की अपने कमांडर के साथ उसके हाथ में भी गन थी और उसने गन उठा के तो उसने भी मुकाबला किया लेकिन ये मुकाबले में जख्मी हो गया उसने अपनी बाक़ी टीम से कहा कि अगर आप मुझे उठा के ले जाने की कोशिश करेंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे आप निकल जाएं मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला करता हूं उसने बार सूरत लेटे हुए अपनी गन से कुछ देर तक मुकाबला किया लेकिन फिर वो जख्मी हुआ और जख्मी हो के लुढ़ के एक गहरी खाई में जा गिरा उस खाई में गिरने के बाद वो अपनी साथियों की नज़र से तो ओझल हो गया वो मुड़ के देख भी नहीं सके और वो जल्दी से वहाँ से निकल के अपने आप को महफूज रस्ते पे डाल चुके थे दोस्त उसको तलाश करना चाहते थे लेकिन आ, हालात ऐसे थे कि ना तो वो नज़र आ रहा था और ना तलाश हो सकती थी इसी दौरान में एक गोला और आके गिरा और सिपाही मकबूल हुसैन उसके स्प्लिंटर से मज़ीद जख्मी हुआ जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा फिर उसको पता नहीं था कि वो उसके साथ क्या हुआ दुश्मन उसे गिरफ्तार करके ले गए अब जब जंग ख़त्म हुई तो कैदियों के तबादला हुआ तो उसमें ये कैदी मौजूद नहीं था सिपाही मकबूल हसैन मौजूद नहीं था फिर यही समझा गया कि मकबूल हसैन गलबा शहीद हो गया है बह, बहादुर लोग शहीदों की बनाई हुई यादगारें उन पर साधवी का नाम भी कंधा कर दिया गया भारतीय फ़ौज इस खूबसूरत और कड़ियल जिसम के मालिक सिपाही मकबूल हसैैन की ज़बान खुलवाने के लिए इस पर बेपना जुल्म करती रही चार बाई चार फुट के साइज के एक पिंजरे में इसको बंद किया उस कोठड़ी में इसको रखा जहां वो ना बैठ सकता था ना लेट सकता था दुश्मन इंसान सोस मजालिम के बावजूद उससे कुछ भी उगलवा ना सका उस शख्स ने जो एक अहद एक हलफ उठाया हुआ था अपने वतन के साथ वफादारी का उसको निभाने के लिए उस शख़्स ने अपनी ज़बान नहीं खोली सिपाही मकबूल हसैन की बहादरी और सबत क़दमी भारतीय अफसरान को हैरान कर गई जब उन्होंने देखा कि मकबूल हसैन कोई राज नहीं बता रहा तो अपनी तस्किन के लिए मकबूल हसैन को तशद का निशाना बनाकर कहते कि तुम कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकिन हर दफ़ा मकबूल हसैन मार खाने के बाद भी कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद चुनाचे वो इसको बार बार मारते हैरान थे कि मार खा के भी ये आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहता है वो उसके ऊपर चीखते चिल्लाने लगते कि मकबूल हसैन तुम पागल हो और वो जवाब में कहता कि हाँ मैं पागल हूँ लिहाजा इस पागलपन में जो कि वतन की मोहब्बत की वजह से था उस शख़्स ने अपने मुल्क के बारे में एक भी बात ना बताई इसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये शख़्स जो है ये एक भी बात नहीं करता और तंग आ चुके हैं तो फिर वो उसके अल्फाज जो थे ज़िंदाबाद वो उसके उनके ज़हनों पे ग्रह गुज़रने लगे उन्होंने ये कहना उससे बंद कर दिया और फिर उससे बदला लेने के लिए उसकी ज़बान काट दी ताकि नहीं बोलता तो फिर हमेशा के लिए इसका इसकी ज़बान बंदी हो जाए मुंह बंद हो जाए ये हमें नहीं बता रहा तो किसी को भी कुछ ना बता सके अंधेरी कोठड़ी में ये शख्स पड़ा उन्नीस से ले कर अपनी ज़िंदगी के चालीस साल यानि दो हज़ार पाँच तक वहाँ गुमनामी में जेल में गुजारता रहा कटी हुई ज़बान से ना तो अब वो नारा लगा सकता था पाकिस्तान जिंदाबाद और जब आया तो उसके जिसम पे ना कपड़े थे चीथड़े बुरे हालात उसके लेकिन यहाँ पाकिस्तान पहुँच के उसने कागज़ पे लिख के दिया पाकिस्तान जिंदाबाद सिपाही मकबूल हसैन की ज़िंदगी के बेहतरीन दिन जो कि अपने वतन की मोहब्बत में पागल बन के उसने वहाँ पे गुजारे वो इस कॉम के नाम थे और इस कौम को ऐसे ऐसे आदमियों का ऐसे वतन के सरफरशों का शक्र होना चाहिए जिन्होंने पागलपने की हद तक अपने वतन से मोहब्बत की और अपने वतन के बारे में ना बुरी बात सुननी चाहिए और ना ही अपने वतन के राज में से कोई राज कह के किसी को बताई पाकिस्तान के सच्चे हीरो यही हैं फ़कीर हुसैन मकबूल हुसैन जब यहाँ आ गया तो कुछ अरसे के बाद वो बीमार हुआ लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि मैं बीमार हूँ हॉस्पिटल में दाखिल हूँ लेकिन मैं अपने वतन में हूँ उसको अटक में हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया पूरा उसकी सेहत का उसके आ, इलाज मालजे का आर्मी ने जितना भी बेहतरीन तरीके से हो सकता था वो किया उसका ख़्याल रखा क्योंकि वो हीरो था, पाकिस्तान का भी और खसूसी तौर पे पाकिस्तान आर्मी का बिलाखिर मकबूल हसैन वफात पा गया मुझे पता चला तो फिर तय ये हुआ कि उसकी नमाज़ जनाजा चकला में पहले पढ़ाई जाएगी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अटेंड करेंगे हम सब सीनियर लोग अटेंड करेंगे मैं खूसी तौर पे उसकी नमाज़ जनाजा अटेंड करने के लिए गया क्योंकि ऐसे आदमी को का नमाज़ जनाजा अटेंड करना भी मेरे लिए बास फ़ख्र था मैंने उसकी उस, उसके मुर्दा जसम को सलूट की और उसको इस तरह हेलीकॉप्टर में यहाँ से रुखसत किया उसके अपने गांव में आज़ाद कश्मीर का रहने वाला ये शख्स हम सब के लिए एक सबक छोड़ गया कि इंसानी ज़िंदगी तो किसी न किसी तरह किसी न किसी वक़्त ख़त्म होनी है लेकिन उसकी वफ़ा की दास्तान पीछे रह जानी चाहिए उसकी वतन से मोहब्बत की दास्तान पीछे रहनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें उससे वफादारी के सबक सीख सकें आज के लिए इतना ही अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद